हेलो गाइस, वेलकम बैक टू समरी ऑफ सिनेमा। मैं हूं जेसन रवि और आज हम बात करेंगे इस साल रिलीज होने वाली सबसे एक्साइटिंग हिंदी फिल्म्स के बारे में। ईयर एंड तक कई जबरदस्त मूवीज रिलीज होने वाली है जो आपको थिएटर में जाने पर मजबूर कर देंगी। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इन एंड एक्सप्लोर व्हाट्स कमिंग योर वे। सबसे पहली फिल्म जो इस लिस्ट में है वो है द साबरमती रिपोर्ट, रिलीजिंग ऑन 15 नवंबर। ये फिल्म 2002 के गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट पर बेस्ड है और ये एक इंटेंस ड्रामा होने वाला है। फिल्म के लीड में है विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा। डायरेक्शन संभाल रहे हैं रंजन चांदिल, जो रियल लाइफ इवेंट्स को ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग के जरिए पेश करेंगे। अगर आपको हार्ड हिटिंग ड्रामास पसंद है, ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट अप, धड़क 2। ये फिल्म 2018 की धड़क का सीक्वल है और तमिल फिल्म परियेरुम पेरुमल का रीमेक भी है। इस बार सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति दिनरी लीड रोल्स में है। डायरेक्टेड बाय शाजिया इकबाल, ये फिल्म एक इमोशनल रोमांस होगी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और लव स्टोरी के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करेगी। अगर आपको इमोशनल लव स्टोरीज देखना पसंद है तो मार्क योर कैलेंडर फॉर 22 नवंबर। अगर आपको लाइट हार्टेड स्टोरीज पसंद है तो आई वॉन्ट टू टॉक काफी इंटरेस्टिंग लग सकती है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन एक ऐसे इंसान का किरदार निभा रहे हैं जो हर मुश्किल में भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। सुजीत सरकार की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक फन राइड होने वाली है। ये फील गुड मूवी 22 नवंबर को रिलीज हो रही है। नेक्स्ट इज मेट्रो इन दिनों, रिलीज हो रही है 29 नवंबर को, जो अनुराग बासु की क्रिटिकली अक्लेम फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो का सीक्वल है। ये फिल्म एक एंथोलॉजी होगी जिसमें कंटेम्प्रेरी कपल्स की चार हार्ट वार्मिंग कहानियां दिखाई जाएंगी। स्टार स्टड कास्ट में है आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, नीता गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, फातिमा सना शेख और कोंकणा सेन शर्मा भी है। अगर आपको मल्टीपल स्टोरीज वाली फिल्म्स पसंद है, ये आपके लिए परफेक्ट होगी। और अब बात करते हैं एक फन कॉमेडी ड्रामा बदतमीज जेल की। ये भी 29 नवंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म के स्टार कास्ट में है अपार शक्ति खुराना, वानी कपूर, परेश रावल और शीबा चड्डा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स। डायरेक्टेड बाय नवजोत गुलाटी, ये एक क्वर्की कॉमेडी होने वाली है जो आपको हंसाने के साथ कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी दे सकती है। परफेक्ट फिल्म फॉर अ फन वीकेंड। अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए एक बड़ी खबर, पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। पुष्पा का सीक्वल इस बार और भी ज्यादा एक्शन पैक्ड होने वाला है। फहद फासिल और रश्मिका मंदाना भी इस फिल्म में वापस आएंगे। सुकुमार के डायरेक्शन में ये फिल्म फैंस के लिए एक ट्रीट होने वाली है। एक्शन और थ्रिलर के लिए तैयार रहिए। हिस्टोरिकल एपिक्स का क्रेज हो तो छावा को मिस मत करिएगा, जो 6 दिसंबर को रिलीज होगी। विकी कौशल इस फिल्म में संभाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ अक्षय खन्ना, रश्मिका मंदाना और दिव्या दत्ता जैसे बड़े स्टार्स भी है। ये फिल्म मराठी नॉवल छावा पर बेस्ड है और लक्ष्मण उटेकर ने इसे डायरेक्ट किया है। अगर आपको हिस्ट्री और एडवेंचर पसंद है, ये फिल्म मस्ट वॉच है। दिसंबर के मजेदार फिल्म्स में से एक है वेलकम टू द जंगल। एक्शन, कॉमेडी और एडवेंचर का जबरदस्त कॉम्बो लेकर आ रहे हैं अक्षय कुमार, संजय दत्त, दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडिस और काफी बड़ी स्टार कास्ट है। अहमद खान की डायरेक्शन में ये फिल्म एक बड़ी कास्ट के साथ आपको हंसा हंसा के पागल कर देगी। सो बी रेडी फॉर अ रोलर कोस्टर राइड ऑन 28 दिसंबर। क्रिसमस के दिन आपको एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी, बेबी जॉन। ये वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जो तमिल फिल्म थेरी का रीमेक है। वरुण के साथ कीर्ति सुरेश और जैकी श्रॉफ भी होंगे। डायरेक्टेड बाय कलीज, ये फिल्म एक सॉलिड मसाला एंटरटेनर होने वाली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आमिर खान के फैंस के लिए एक बड़ी खबर, सितारे जमीन पर क्रिसमस पर रिलीज हो रही है। ये फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल है और एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जो स्पेनिश फिल्म चैंपियंस पर बेस्ड है। आमिर के साथ दर्शिल सफारी भी वापस आ रहे हैं, जो ईशान अवस्थी का रोल प्ले किए थे। तो इस इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए रेडी हो जाइए। तो दोस्तों, ये थी लिस्ट उन हिंदी फिल्म्स की जो इस साल के एंड तक रिलीज हो रही है। कौन से फिल्म के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए समरी ऑफ सिनेमा को। मैं हूं जेसन रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, कीप वॉचिंग एंड स्टे एंटरटेन्ड।